ये है KFC के चिकन पॉपकॉर्न और ये है अल्बेक के चिकन पॉपकॉर्न। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। पहले KFC। अल्बेक। 안녕하세요, 교광입니다. Taste exactly same. BBQ 황금 올리브 닭다리 치킨, 양념 닭다리 치킨. Difference आएंगे crunch में. Albäck का काफी अच्छा क्रंची हो रहा है बीबी और KFC का मतलब ठीक ठाक ही हो रहा है, सॉगी हो चुके हैं। मुझे अभी तक ऐसा आज तक मतलब ऐसा लगता था जब मैं KFC ऑर्डर करता था कि डिलीवरी की वजह से सॉगी हो जाता होगा, बट आज अल्बेक खा के मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी। डिलीवरी के बाद भी चीज़ें क्रंची रह सकती हैं। अब अल्बेक के टेस्ट करना। क्रंच से आई बिलीव आपको पता चल रहा होगा भाई, टेस्ट में मतलब 19-20 का अंदर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट 19-20 का अंदर है। हो सकता है कि KFC का क्रंच जब वहाँ खाओ तो अलग ही लेवल का होता हूँ, बट अगर ये यहाँ के इतना सॉगी हो रहा है और ये चीज़ यहाँ के भी क्रंची है तो ये चीज़ वहाँ जाके कितनी भयंकर लगेगी। और अब में से काफ़ी लोगों को पता होगा जो Instagram में मेरे साथ जुड़े हैं कि मैं कल मसूरी से लौटाऊंगा। मैंने परसों भी डोमिनोज तो मंगाना देखो मैंडेटरी है, डोमिनोज के साथ से कुछ और भी चीज़ें मंगाई थी। और यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं फास्ट रखता हूँ और उसके बाद ऐसी मील्स कंज्यूम करता हूँ तो मेरे को और ज़्यादा अच्छी लगती है, बट आज शायद से आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि लास्ट के 2 दिन में ऑलरेडी कुछ बेहतरीन सा खाते हुए आ रहा हूँ और आज भी मुझे ये खाना बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये है KFC का हॉट एंड क्रिस्पी 2 पीस और ये है अल्बेक के चिकन पीस, ये भी 2 पीस ही हैं। पहले KFC का ट्राई करके देखते हैं। मुझे पता था ये ड्राई होने वाला है। ये अंदर से बिल्कुल ही सूखा है। सॉस के बिना हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये है अल्बेक का चिकन पीस। ये देखो, ये अंदर तक काफ़ी हद तक जूसी है, काफ़ी हद तक भीगा, मतलब बहुत ज़्यादा जूसी है। इन्होंने जो सॉस दे रखा है ना, इसकी बात है क्रंची नहीं रह गया ना। यार लेकिन KFC के चिकन विंग्स से मैं डिसअपॉइंटेड होने वाला हूँ। इस साइज के 4 पीस चिकन विंग्स 150 के और ये इतने सारे चिकन विंग्स 190 रुपीज़ के। दोनों का पास से कुछ ऐसा है। मुझे नहीं पता था कि अल्बेक के इतने सारे चिकन विंग्स और इतने सारे पॉपकॉर्न आएंगे। KFC में 3-4 बार ही खा चुका हूँ, अल्बेक मैंने एक ही बार खाया इससे पहले। तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या पता दोनों की क्वांटिटी सेम हो तो कम ही आएगा, बट ये बहुत ज़्यादा है। बट ये बहुत ज़्यादा सूखा था, ये मुझे KFC का लग ही नहीं रहा। ये ऐसा लग रहा है कहीं ऐसे ही उठा के आ गए हैं। रबड़ सा बन जा रहा है। अब रीति रिवाज से रिलेटेड मैं आपको बात बताता हूँ। मैं जानता हूँ, देखो रीति रिवाज से हमारे बीच में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होता था और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए कि हमें लिटरली ऐसा लगता है कि आप सामने बैठे हो और हम साथ में ही ये खा लें। तो देखो ऑब्वियसली मैं बातें करना नहीं बंद करने वाला हूँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो शायद से मुझे बाकी इंडियन मकबैंगर से अलग बनाती है। तो ये चीज़ तो मैं कभी भी बंद नहीं करूँगा। बट रीति रिवाज पर्टिकुलरली मैंने इसलिए बोला क्योंकि रीति रिवाज के लिए मैं अब Instagram पे रेगुलरली लाइव आ रहा हूँ, ताकि वहाँ आपके क्वेश्चंस में पर्सनली एड्रेस कर पाऊँ और फेस टू फेस। लाइव में क्या है कि आप पूछो मैं आंसर दे रहा हूँ, कोई वहाँ से कुछ और पूछ रहे तो मैं तुरंत उसका आंसर कर सकता हूँ। मोर ओवर रीति रिवाज में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो मैं वीडियोज़ की लेंथ थोड़े कम करना चाह रहा हूँ। रही बात रीति रिवाज की, तो रीति रिवाज में पर्टिकुलरली अब Instagram पे ही करने वाला हूँ। हफ्ते में 2 दिन मैं डेफिनेटली लाइव आऊँगा ही आऊँगा। इस चैनल और मेरी लाइफ से रिलेटेड बाकी चीज़ें भी मैं Instagram पे रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा, जिससे कि आपका और मेरा एक कनेक्शन बना रहे। और अब ये बात मैं कभी भी अपने चैनल में नहीं बोलता हूँ, बट आज बोलूँगा। अगर हो सके तो मेरे को Instagram पे फॉलो कर लेना। इस चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स, सभी बिहाइंड द सीन्स या फिर लाइव आने का या फिर रीति रिवाज, वो सब चीज़ें Instagram पे रेगुलरली होती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा होगा, बाकी यहाँ भी कहीं मैं यूज़र नेम दे दूँगा। पॉपकॉर्न फिर भी खाए जा सकते हैं, बट ये नहीं खाया जा सकता, बहुत ज़्यादा सूखा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा है। ये देखो ऐसा कुछ बन, ये है अल्बेक, ये है KFC, अल्बेक, KFC, अल्बेक। थोड़ा सा क्लियर, ये बाकी की चीज़ें घर वाले खाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हो रही है और मैं इतना सारा फ्राइड खाना एक साथ नहीं खाऊंगा। बेहतरीन अल्बेक, ये आपको सॉस दिख रहा है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता है मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है इससे। ऑलरेडी अंदर से स्वीट है, थोड़ा सा सॉस वगैरह की वजह से थोड़ा सा और हो सभी के साथ जो लोग ये समझते हैं कि जिंगर क्लासिक जिंगर से बेटर नहीं है।